हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इन सभी आईसी को अगर आप रख लेते हैं तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी सेट आता है तो यही सब आईसी आपको जो है देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इस वीडियो में जो है इन सभी का मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ और जो है कहाँ पर इसका यूज होने वाला है ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है 6283, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रचलित आईसी है। अगर आप लोग इनको जानते होंगे तो आपको पता होगा ये जो है 6283 काफ़ी जो है प्रचलित आईसी है। तो यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला आईसी होता है जो कि हमारा होम थिएटर वगैरह में लगता है। यहाँ पर देखिए 1517 इसका नंबर, ठीक है 1517। और जो है यहाँ पे TDA 7667, ठीक है। और फिर से है TEA 2025 और KA 2206। उसके बाद में यहाँ पे दिखाऊँ तो TDA 7667, ठीक है। तो ये जो हमारा IC है ये सबसे ज़्यादा आपको जो है होम थिएटर वगैरह में देखने को आपको मिल जाएगा ये वाला IC। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे नंबर ये हमारा 2030 है, ठीक है 2030A। तो ये आपको जो है बूफर में ही देखने को मिलता है जो कि हमारा होम थिएटर यूज होता है 2030, ये भी 2030 है, ठीक है। यहाँ पे ये भी 2030 है। देखिए, इसमें का जो आपका इस तरीके का आईसी होता है ना, ठीक है 2-4-5 लेग का, तो इसमें जो है आपका एक 2030 आता है, एक 2050 आता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको यूज होता है बूफर वगैरह में। यहाँ पे ये भी जो है ये 2003 है, ठीक है। तो इस तरीके का 2003 भी आईसी आता है, देखिए इसका जो है नंबर 2003 है। तो ये भी जो है आपका ये सबसे ज़्यादा आपको यूज में मिलेगा TV वगैरह में, ठीक है। ऐसे तो बूफर में भी यूज होता है बट सबसे ज़्यादा आपको ये वाला आईसी TV में मिलता है 2003 और 203 करके, CV 203 करके भी इसमें का एक आईसी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ अगर होगा तो। यहाँ पे ये 2050 है और यहाँ पे ये 2003 है, यहाँ पे ये 2050 है और ये जो है TDA 7297, ठीक है। तो ये जो है एक मॉडल करके आता है, उसमें भी ये लगता है और भी बहुत सारा जगह साउंड सिस्टम ये लगता है। और ये जो है आपका TDA 7388, तो ये जो है आपका कार कैसेट में यूज होता है, ठीक है। ये काफ़ी महंगा कॉस्टली आता है तो ये कार कैसेट में यूज होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो LA 4278, ठीक है। तो ये जो है आपका TV में यूज होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो TDA 7266, ठीक है। तो ये भी जो है TV में ही यूज होता है। और यहाँ पर दिखाऊं TDA 1517, ये भी TV में ही यूज होता है। और यहाँ पर दिखाऊं TDA 2003 हो गया, ये हमारा बूफर का IC हो गया जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारा 6283 हो गया, ये आपको पता ही है। यहाँ पर ये 7388, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो मेरा कार कैसेट का है। और ये जो देख सकते हैं 1619, अगर आप जो है रेडियो वगैरह रिपेयर कर रहे होंगे, पहले रिपेयर किए होंगे तो आपको जो पता होगा ये हमारा IC रेडियो में पहले लगता था। अभी जो है आपको ये IC देखने को नहीं मिलता होगा। पहले जब हम लोग रेडियो रिपेयर करते थे, जब हम काप सीख रहे थे, तो उस स्थिति में जब हम रिपेयर कर रहे थे उस टाइम में, तो ये वाला IC हर टेक्नीशियन के पास होता था, क्योंकि पहले जो है रेडियो का रिपेयरिंग काम काफ़ी ज़्यादा चलता था। तो ये वाला IC पहले हर किसी के पास होया करता था, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए रखा है, ऐसे इसका यूज ज़्यादातर आपको देखने को अभी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको साइड करते हैं। और यहाँ पे हमारा हो गया TDA 2003 हो गया, यहाँ पे ये 203, देखिए CV 203 करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए CV 203। तो मैं आपको बोला हूँ ये जो हमारा TV में लगता है, CRT TV में, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2003, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो है 2030 है और ये जो है
203 है। देखिए इस तरीके का हमारा जो है आईसीएन है, ये ज़्यादातर आपको टीवी में देखने को मिलता है, सीआरटी टीवी जो हमारा चाइना किट होता है उसी में ये जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर आपका एलजी हो गया और अलग अलग कंपनी हो गया ब्रांडेड कंपनी, तो उसमें जो है इस आईसी को यूज नहीं किया जाता, उसमें जो है अलग अलग आईसी यूज किया जाता है, अलग अलग नंबर हो सकता है, LA या TDA करके उसका जो है सीरीज में हो सकता है। यहाँ पे हमारा ये 6283 हो गया, और ये मैं आपको बता चुका हूँ 7388, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ये जो है 2003 है, हाँ ये देखिए 4440। तो ये 4440 भी अपने आप में काफ़ी ये प्रचलित आईसी है, ये अभी भी मार्केट में देखने को मिलता है, काफ़ी ये जो है अच्छी आईसी होता है, और इसका जो है आप लोग एम्पलीफायर यूज किए ही होंगे, और जो है अभी भी इसका एम्पलीफायर चलता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो इसका नंबर मिट चुका है, इसको हम साइड करते हैं। यहाँ पे TDA 2009, ठीक है, ये हमारा मॉडल वगैरह में लगता है, एक मॉडल का जो है आता है सिस्टम, तो उसी में ये जो है लगता है। और यहाँ पे ये 2003 हो गया, यहाँ पे ये 2003 हो गया, यहाँ पर 2003 हो गया। देखिए इस तरीके का आईसी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखा है, 20-30, 20-50, 2003, 203, ठीक है। तो ये आईसी ज़्यादातर यूज होता है, जो हमारा अभी का जितना भी होम थिएटर वगैरह आता है तो सभी में यही आईसी को यूज किया होता है, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा रखा है, क्योंकि एक सेट में कहीं 5, कहीं पे 6, कहीं पे 7, कहीं पे 8 भी लगा होता है, तो ज़्यादातर ये ख़राब देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादातर ये आईसी को मैंने रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको जो है छाट लेता हूँ, क्योंकि ये जो है हमारा 2003 होगा, नहीं तो 203 होगा, नहीं तो यहाँ पे 2050 होगा, नहीं तो 2030 होगा, यही जो है आईसी यहाँ पे ये होगा जो हमारा 5 लेख का इस तरीके का है, तो इसलिए जो है इसको मैं इधर साइड कर लेता हूँ, ताकि जो है यहाँ पे वीडियो थोड़ा शॉर्टली बने। चलिए यहाँ पे जो है इसको मैं इधर साइड कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 2009 ये आपको साउंड सिस्टम में लगता है और मॉडल में भी लगता है, और यहाँ पे दिखाऊँ TDA 2616 ये टीवी में लगता है, ठीक है। और ये देखिए तो सिबा TDA 8211, ठीक है, ये भी आपका जो है मॉडल में लगता है और टीवी वगैरह में ये लगता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ TDA 7495, तो ये भी जो है टीवी में ही लगता है। यहाँ पे LA 42102, तो ये भी जो है टीवी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 7388 ये हमारा है कार कैसेट के लिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ और UTC 7266 ये भी शायद टीवी में ही यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा 4282, ठीक है, तो ये भी जो है टीवी में यूज होता है इस तरीके का आईसी। यहाँ पे 2009, तो ये हमारा हो गया साउंड सिस्टम के लिए। यहाँ पे ये कितना नंबर यहाँ पे है TDA 7266, ठीक है। यहाँ पे ये जो है 6283, यहाँ पर जो है 2025, ठीक है, ये जो है 2025, और यहाँ पे दिखाऊँ 4440, ठीक है, LA 4441, ठीक है, 4440 नहीं है, 4441 है इसका नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है हमारा 6283 है, और ये जो है 8211 है, यहाँ पे 2009 है, और यहाँ पे जो है LA 4282 मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये जो है टीवी में लगता है। तो यहाँ पे जितना भी आईसी मैंने दिखाया है, अगर यहाँ पे इतना आईसी अगर आप रख लेते हैं तो आप जो है 90% चांस है कि आपके पास जो भी साउंड रिलेटेड कुछ चीज़ आएगा उसको आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो यही जो सारा आईसी है यही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है किसी भी सर्किट में, आप देख लीजिएगा, अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्प करेगी, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इस आईसी को अगर आपने पास एक एक दो दो पीस भी रख लेते हैं, जिससे आपका आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जो है आईसी चल रहा है, और फिर जो है कितना जो है डिमांड है आपके पास, तो फिर जो है इसका क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इतना अगर आप रख लेते हैं तो इससे जो है आपको काम करने में थोड़ा आसानी मिलेगा, अगर आप नए हैं होंगे तो, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे रोज़ाना मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।